नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल। आप देख रहे हैं एजुकेशन रिवॉल्यूशन, शिक्षा पर आधारित चैनल है एजुकेशन रिवॉल्यूशन। शिक्षा के बारे में नवाचार, शिक्षा के बारे में सभी तरह की जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2019, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग कॉमेडी, फिल्मी म्यूजिक, बहुत सारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन चैनल को एजुकेशन रिवॉल्यूशन में अपनी भागीदारी समझ के इसे भी शेयर करें, इसे भी सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम लोग निश्चित रूप से आगे अनेक तरह की चीज़ों को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एजुकेशन के बारे में जागरूकता बढ़े, सरल और सहज भाषा में भारत की शिक्षा किस तरह की चल रही है या कैसी शिक्षा होनी चाहिए उनकी जानकारी आपको देते रहेंगे। नए नए अच्छे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से भी आपकी बातचीत हम करवाते रहेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी कुछ बातचीत इस चैनल के अंदर करें, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा जरिया हो सकता है सामान्य नागरिक को, आम जन को, आम गृहिणियों को, आम माता और पिताओं को भारतीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर जागरूकता करने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। 600 पन्नों से अधिक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, के रस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने MHRD को अभी 30 मई को सौंप दिया है पब्लिक कमेंट के लिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी उस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें, उसकी साइट पर जाकर अपने सुझाव दें और सरकार को उसके कमियां और अच्छाइयों से अवगत कराएं। निश्चित रूप से अभी कुछ विवाद उसके अंदर है, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, साथ ही कुछ टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर भी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है शिक्षा जगत में, लेकिन आम जन इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को सभी जगह पर पहुंचाएं। मैं यहां पर उन 600 पन्नों की पूरी रिपोर्ट नहीं शेयर करने वाला हूं, उसमें से कुछ कुछ मुख्य बिंदु जो सामान्य रूप से आने वाले आपके बच्चों को प्रभावित करेगा शिक्षा के रूप में, उनको यहाँ पर समरी के रूप में, बहुत छोटे रूप में, सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक दो बिंदुओं को इस वीडियो के अंदर और 5-6 बिंदुओं को अगले वीडियो के अंदर हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सभी बिंदु रखेंगे तो वो बड़ा वीडियो हो जाएगा जो शायद एक बार में आप लोग ना सुन पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य मुद्दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। 1986 के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद भारत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप मिला है। किसी भी अच्छे राष्ट्र के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है कि इतने लंबे समय के बाद कुछ बदलाव शुरू हो, क्योंकि शिक्षा तो लगातार बदलते रहने वाली चीज़ है, उसमें तो लगातार बदलाव होने चाहिए। बीच में NCF 2005, 2007, 2009, 2013 जरूर हुए, लेकिन शिक्षा नीति के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, ऐसी शिक्षा नीति का प्रारूप लंबे समय के बाद आया है। तो आइए देखते हैं कि कुछ बिंदुओं के रूप में आखिर क्या उसके अंदर है। पहला जो मुख्य बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है, लेकिन मैं यहाँ पे उनमें से जो मेरा पहला बिंदु है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर को लेकर, यानी कि छोटे बच्चों को शिक्षा को लेकर। अभी तक आप जानते हैं कि 6 साल का बच्चे को पहली क्लास में प्रवेश मिलता है और उसके पहले सरकारी माध्यमों में उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं है। तो अब ये होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन पर भी भारतीय शिक्षा नीति फोकस करेगी, यानी कि अब 3 साल के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन अब ये कैसे होगी, तो इसके लिए पहले से जैसे आंगनवाड़ी में कुछ विचार चल रहे हैं, तो आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल और जो भी उससे जुड़ी हुई सरकारी संस्थाएँ हैं वो इस पर काम करेगी, और निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है। 3 साल से पहले के बच्चों के पोषण के लिए भी और हेल्थ के लिए भी जो काम संस्थाएं करती है वो करती रहेंगी, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए अब पोषण के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन की भी व्यवस्था रहेगी, यानी कि टोटल चाइल्ड केयर का जिम्मा सरकार का
गवर्नमेंट का शिक्षा नीति के अंदर होना है। साथ ही दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर भी इस पॉलिसी के अंदर जोर दिया गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का मतलब है कि सामान्य कक्षा स्तर पर जो उस कक्षा स्तर का टेक्स्ट है या जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी न्यूमरेसी है गणित के सवाल है वो बच्चा कर पाए। आप अपने पास के किसी भी बच्चे से किसी स्कूल के अंदर आप जाएंगे तो भारत में बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी बच्चे कक्षा स्तर की सामान्य गणितीय क्रियाएं और सामान्य उन कक्षा स्तर का टेक्स्ट भी वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस समस्या को एक बड़े रूप में लेते हुए शिक्षा नीति ने 2030 तक का ये लक्ष्य 2025 तक का ये लक्ष्य तय किया है कि हम 2025 तक सभी बच्चों को एज अप्रोप्रिएट उनके कक्षा स्तर के अनुरूप बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी में ला सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स बिंदु हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और बहुत सारा प्रोग्राम भी इसके अंदर चलाना होगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। दो बिंदुओं पर आज मैंने इस वीडियो में बात की है। पहला, अर्ली चाइल्डहुड केयर में अब 5+3 होने वाला है, यानी कि दो पहली और दूसरी क्लास और उससे पहले की 3 क्लासें प्री प्राइमरी वाली। तो पहले 5 क्लास का बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद 3 क्लास यानी कि जो भी 3rd, 4th, 5th है और 3+3, तो इस तरह से चलेगा। और साथ में ही जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है उस पर भी का लगातार काम गवर्नमेंट को अब शिक्षा के रूप में करना होगा। तो इस वीडियो में इन दोनों बिंदुओं के लिए ही, आगे के 5-6 बिंदुओं के लिए आप मेरा अगला वीडियो इसके अंदर देखें, उसमें आपको उस बारे में भी चर्चा सुनने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को ताकि आमजन को भी शिक्षा नीति पर चर्चा का अवसर मिले। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।